रेलवे ट्रैक पर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो 139 पर कॉल करें, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के महानिदेशक ने की अपील। अगर आपको रेलवे ट्रैक पर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो 139 पर कॉल करें, यह आवेदन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के महानिदेशक ने की है। मंगलवार की सुबह न्यू मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन से सटे इलाके में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बुधवार को नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के महानिदेशक चेतन श्रीवास्तव गुवाहाटी से घटनास्थल का निरीक्षण करने आए। डीआरएम अली पुरद्वार के साथ वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ पटरी से उतरने वाली जगह का दौरा किया। निरीक्षण स्थल पर मौजूद मीडिया से बात करते हुए नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के महाप्रबंधक ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि कई रेलवे ट्रैक पर अगर आपको रेलवे ट्रैक पर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो 139 पर कॉल करें। लोगों के जागरूक दुर्घटनाएं रुकती हैं डॉट असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार रेलवे लाइन पर विभिन्न सामग्रियों को रखा जा रहा है। कुछ दिन पहले सेवक रूट में भी आयरन शीट रेलवे के पटरी पर रख दिया गया था, जिससे बड़ा दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन जागरूकता के कारण यह दुर्घटना टल गई। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल खुफिया शाखा ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसे युवक ने स्वीकार किया है, डिटेल करने के लिए है, उसने लोहे की सीट रेल के पटरी पर रखा था। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि रेलवे ट्रैक पर कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखे तो कृपया करके 139 पर कॉल करें, ताकि यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। मामला ऐसा है कि रेलवे का सिर्फ है बोलने के नहीं, रेलवे के साथ सभी लोग जुड़े हैं, आम पैसेंजर जुड़ा है। तो जिसको भी, मैं तो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रेलवे, जितने लोग हैं रेलवे ट्रैक के आसपास, जितने लोग घर रहते हैं, इतने लोग जाते हैं, सबसे मैं जहाँ जाता हूँ सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को भी कहीं से कोई इस तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिले, कोई बताए, कोई फोटो भेजे, तुरंत आप कुछ नहीं तो 139 में शेयर करिए, रेलवे का सीधे 139 में, उसमें शेयर करिए। क्योंकि देखिए इतना वास्ट नेटवर्क है ना, हमारे पास आदमी हैं जो फुल टाइम पेट्रोल भी करते हैं, लेकिन पेट्रोल करने के लिए एक एक आदमी का 5-5 किलोमीटर का सेक्शन है, वो एक जगह छोड़ के जाए, उसके पीछे किसी ने कुछ किया, मुश्किल काम है। तो अवेयरनेस के लिए कुछ कदम उठाएं। वही मैं अवेयरनेस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सबको अपील कर रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए आप ही मेरे आप जो मीडिया है आप ही मेरे मतलब हेल्प करेंगे इस चीज को बताने में। सर कल जो एक्सीडेंट हुआ वो 24 आवर क्रॉस हो गया, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला? देखिए अभी ये वाली चीज इस तरह से नहीं बोली जाती, इतने सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़, कुछ मटेरियल मुझे टेस्ट भी करना पड़ेगा भेज करके RDSO, जब तक वो टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं कुछ दिन पहले रानी नगर में एक ऐसा ही हादसा हुआ, उसके बाद मैनागुड़ी में, डिड यू थिंक इज अ लैक ऑफ, नहीं कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, कोई ऐसा मालगाड़ी और कंचनजंगा के साथ नहीं। सर आप लोगों ने नए क्या क्या स्टेप लिए? नथिंग, लैक ऑफ मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं। देखिए रेलवे का हर आदमी ये अच्छे से जानता है, मैं चाहे मैं कोई वो किसी भी पद में हूँ, नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक आदमी ये जानता है उसके काम की जिम्मेदारी क्या है, और यदि उसके गलती होगी तो उसका नतीजा क्या होगा, ये अच्छी तरह से सबको मालूम है। तो रेलवे वर्कर कभी भी अपनी तरह से इस तरह की कोताही नहीं करते, सबको बताया, इतने सालों से रेलवे चल रही, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हर बार जो रेलवे के बीच में ये सब मिल रहा है। कुछ दिन पहले सेवक में मिल रहा था एक लोहे का, वो सब सामान जो मिल रहा है इसके पीछे कोई अंतर्घात है ऐसा आप लोगों को लगता है? देखिए इंसिडेंट्स तो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये ऑफ लेट अभी ही देखना देना शुरू है, पहले तो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मैं आप मेरे पास कोई सबूत तो नहीं मैं कहने से, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, लोग कोशिश कर रहे हो, इसलिए मेरी सबसे निवेदन है इसमें तो हमको सबको सजग रहना है। इस घटना में क्या है कि इस घटना में कोई रिलेटेड है क्या? नहीं इसमें ऐसा कोई रिलेटेड नहीं सर, कोई स्टाफ जो स्टाफ लोग हैं मुझे